वंशों में ग्रंथराज पंचायती का जी में वस्तु स्वभाव की व्याख्या करते हुए समझा रहे हैं। जीव सुचरित में स्थित वही मोक्ष मार्गी है। विवाह रत्न त्रय को प्राप्त करते हुए निश्चय रत्न त्रय की जिसकी साधना अखंड है, ऐसा जीव ही मोक्ष सिद्धि को प्राप्त होता है। आत्म सिद्धि चाहिए है तो साधक के लिए संयम की साधना करते प्रति समय जागृत रहने की आवश्यकता है। उसके आचार्य कुंदकुंद स्वामी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो चर्दी डांधी पेचदी अपाणम अपाणम अनंडमयम सुचारित्रम नान दंशमधि ऋच्छेदो होधि। जो श्रवण जो साधक आत्मना अपनी आत्मा को आत्मना आत्मनम अपाणम आत्मा को आत्मा के ही द्वारा अनन्यमयम अनन्यमय होकर के चरधि आचरित करता है, पेचदी देखता है, रांधी जानता है, ऐसा साधक ही चरितम नानम दंशनिर्मिति ऋच्छेद उदि वही निश्चय से दर्शन ज्ञान चारित्र भूत होता है। तात्पर्य जो जीव आत्मा को ही देखता है आत्मा से, आत्मा को ही जानता है आत्मा से, आत्मा को ही भेदता है आत्मा से, आत्मा का ही श्रद्धान करता है आत्मा से, देवसा गुरु की आराधना करता हुआ। इसका तात्पर्य नहीं कि उसने देवसा गुरु को हे कह दिया, पंच परमेष्ठी को हे नहीं कहा है, पंच परमेष्ठी को हे नहीं कहा है, पंच परमेष्ठी उपाधि होने पर भी निज ज्ञायक भाव परम उपाधि है। यदि हे कोई वस्तु है उसका नाम मिथ्यात्व है, आवृत्ति है, प्रमाद है, कषाय है, योग है, इन पांच प्रत्ययों को तो जीव हे नहीं कह रहा है, इन पांच प्रत्ययों में तो लिप्त है और पंच परमेश जी को हे कहने के लिए खड़ा हो जाता है, ये जीव की बहुत बड़ी अज्ञान दशा है। परमेष्ठी हे नहीं है, परमेष्ठी हे नहीं है, योगी परमेष्ठी का व्यवहार चारित्र का त्याग नहीं करता, परमेष्ठी व्यवहार चारित्र में संलग्न होकर के उसे साधन बना करके निश्चय चारित्र को साध्य बनाता है। और जब से ग्रंथ सामान्य जीवों के हाथों में आ गए, उन्होंने सीधा सीधा कहना प्रारंभ कर दिया हे है, जबकि आचार्य कुंदकुंद भगवंत का अभिप्राय नहीं है। यदि आचार्य कुंदकुंद स्वामी भगवान की वंदना स्थिति को हे मानते होते तो ग्रंथों के मंगलाचरण में परमेश्वर की वंदना नहीं करते, प्रवचन सार में पांचों परमेश्वरियों की वंदना की है। पंचायती काय में स्वयं कुंदकुंद देव ने अरहंत देव की वंदना की है। उन्हें मालूम था निधत्ति निकाच जैसे बंध का विनाश करने वाला कोई है तो अरहंत की वंदना है, परंतु वंदना करते हुए जिसे हमने पूर्व में साध्य बनाया, पश्चात उसे हमने साधन बनाया, उस साधन बना करके हमने साध्य निश्चय को बनाया, निश्चय को जब साध्य बना लिया है तो व्यवहार के विकल्प से शून्य होकर जीना, अन्यथा आप परमार्थ में कब प्रवेश करेंगे? वो परमार्थ में प्रवेश नहीं करेंगे। ये कलयुग है, इसमें सर्वाधिक जीव सुपयोग में लगा है और सुपयोग में लगने के लिए अशुभ उपयोग को पूर्ण विराम देना पड़ेगा।
वर्तमान में जितना तुमसे हो सके, जितना हो सके अशुभ से बचने का पुरुषार्थ करो, अशुभ से बचने का पुरुषार्थ करो, क्रिया से भी, चर्या से भी और परिणामों से भी। प्रदीप भैया, देह का धर्म दूसरे की आंखों का विषय है, भावों का धर्म मेरी निज की आत्मा का विषय है। मित्र, 24 घंटे अशुभ से जिसने अपनी रक्षा कर ली हो उस जीव को अपने स्वयं की पीठ ठोकना चाहिए। शाम को सोने के पहले अपनी पीठ ठोक लेना, और पीठ ठोकने का तात्पर्य, हाँ आज मैं बच गया दुष्ट चिंतन से, दुष्ट वचन से और दुष्ट क्रिया से। माता जी, जीव को जितना सुख संपत्ति के मिलने पर नहीं होता, उतना दुख एक भारतीय व्रत भंग होने पर मिलता। विष्णु सागर जी, भैया ये मैं साधुओं के दुख की बात कर रहा हूं, और ये इतना गहरा शब्द मैंने बोल दिया है, जो पीड़ा नरक की नारकी की देह में नहीं होती, वो पीड़ा एक बात व्रत भंग होने पर सच्चे साधक के मन में होती है। जगत में उस समय कोई दुख नहीं है, जगत में उस समय कोई दुख नहीं है, और संसार में दरिद्री होके जीना उसे व्यक्ति सहन कर लेगा, पर सील संपत्ति से रहित चर्चाओं को सहन करना कठिन है। इसलिए 24 घंटे में एक इस बात की माला चलना चाहिए, प्रभु लम्बा जीवन मिले तो संयम उज्जवल रहे। संयम उज्जवल नहीं रहता है तो जीवन का अल्प काल में अवसान होना ही श्रेष्ठ है। ये चमक, ये प्रभावना, ये यश कीर्ति पा लेना सरल है, इसको सुरक्षित रखना कठिन है। बराबर। इसलिए यहां क्या कह रहे हैं, जो व्रत के भंग होने पर पीड़ा होती है उस पीड़ा को वही जीव जानता है जो वास्तव में व्रत का प्रेमी है, संयम का प्रेमी है, संयम का प्रेमी है। जिसने संयम की कीमत को नहीं समझा वो तो सर्वस्व नाश कर लेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। संसार में स्त्री पर्याय मिले तो साथ में भेंट में लज्जा मिले, स्त्री पर्याय मिले तो साथ में भेंट में लज्जा लेके आए, और साधु अवस्था मिले तो साथ में लज्जा लेके आए। दो जीवों के लिए जिनागम में कहा है लज्जा होना अनिवार्य है। नारी की लज्जा दो कुल की शोभा है, और साधु की लज्जा संपूर्ण संस्कृति की शोभा है। नारी शीलवान लज्जावान है, घर के बाहर उसका चेहरा नहीं दिखता, घर के बाहर चेहरा नहीं दिखता,
लज्जाशील नारी का चेहरा मात्र उसका पति ही देख पाता है, अन्य पुरुष नहीं देख पाता। और लज्जाशील दिगंबर मुनि के वचनों के लिए मित्र हित मृत्यु प्रिय मधुर वचन ही साधु के लोग सुन पाते हैं, इसके आगे साधु कोई वचन नहीं सुन पाता है। और जगह जगह एक बार नारी अपने शील को भूल जाए, साधु कभी निर्लज्ज नहीं होता। ये कहां से बोल रहे हैं? मूलाचार में। मूलाचार में आश्चर्य भैया भगवान बटगीर स्वामी लिख रहे हैं, हे मित्र जीवन की अंतिम श्वास में लज्जा विलीन न हो पाए, आत्मनिंदा लोक निंदा दो निंदा है, आत्मनिंदा लोक निंदा दो निंदा है। आगम में लोक निंदा और आत्मनिंदा, लोक निंदा आत्मनिंदा, हमारी भूल किसी जीव की भूल बाहर फैल जाए इसका नाम है लोक निंदा, और स्वयं के भाव खराब हो जाए किसी को मालूम नहीं है इसका नाम है आत्मनिंदा। आत्मनिंदा अंदर हो गई है किसी को पता नहीं है, पर लोक निंदा फैल गई उसे तुम संभाल नहीं सकते हो। आत्मनिंदा हुई तो भाव बिगड़ेगा, आत्मनिंदा हुई तो भाव बिगड़ेगा, और लोक निंदा हुई तो भाव यश दोनों बिगड़ेंगे। इसलिए जीवन में जितना प्राणों का महत्व है उससे कोटि गुना महत्व जीव को यश और चारित्र का होना चाहिए। कोटि गिना कोटि गिना कोटि गुना क्या हुआ? ये बल्ब जल रहा ना प्रदीप भैया, आपका नाम प्रदीप, ये बल्ब जल रहा प्रदीप भैया, ये पूरी रोशनी एक छोटे से तार के ऊपर है, बराबर ना? ये रोशनी छोटे से इतना बड़ा बल्ब है, इसके अंदर छोटा सा धागे जैसा तार पड़ा हुआ है, मालूम? बल्ब के अंदर देखा आपने, छोटा सा तार पड़ा हुआ है, पूरा प्रकाश कहां से आ रहा है? वो तार दिया है, वो हिल गया, वो टूट गया, बल्ब फूटे ना फूटे कोई काम का नहीं बचा, दिखा? बल्ब के अंदर लट्टू के अंदर एक जरा सा तार है, वो इतना नाजुक रहता है, वो जरा सा हिल गया टूट गया फिर पूरे लट्टू का क्या होगा? बस ज्ञानी जैसे महामाया बल्ब के अंदर वो जरा सा तार टूट गया बल्ब कोई काम का नहीं है, ऐसे भावों के अंदर संयम का तार टूट गया तो पूरा जीवन कोई काम का नहीं बचता, पूरा प्रकाश समाप्त हो गया, पूरा प्रकाश समाप्त हो गया। इसलिए आज यही हमें समझना है कि ज्योति घर में चाहते हो तो बल्ब को सुरक्षित रखो, और ज्योति भावों में चाहते हो तो संयम को सुरक्षित रखो। आपका समय हो गया है, इसलिए इतनी ध्यान रखना है। विष्णु सागर जी मित्र, जो काम किसी को दिया है वह कभी पूरा किए बिना मत छोड़ना। बाधा किया है तो निभाना चाहिए।
अन्यथा लोगों का उत्साह भंग हो जाएगा। लोगों का उत्साह भंग होगा, आपका वचन भंग होगा। भले अल्प समय दिया लेकिन पूरा काम करना, काम पूरा करना। वे लोग कभी सफल नहीं होते जो मित्र अपने समय पर अपने काम पूरा नहीं करते। वे लोग कभी सफल नहीं होते, समय और प्रसम भाव, समय और परिणामों की विशुद्धि, प्रसम भाव, आस्तिक्य, इनको कभी मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना। प्रदीप भैया मित्र, इतनी बड़ी संस्था की आप प्रतिष्ठाता हो, समय प्रसन्न भाव ऐसे निमित्त जीवन में आएंगे जिससे आपको बहुत गुस्सा आ रही है, तब भी मुस्कुराना मत छोड़ना, मुस्कुराना मत छोड़ना। बोले क्यों? पर की अनुशासनहीनता पर स्वयं की अनुशासनहीन मत हो जाना। सफलता चाहिए है, जितना अध्यात्म का ज्ञान आवश्यक है उतना नीति शास्त्र का ज्ञान आवश्यक है, जितना मूलाचार का ज्ञान आवश्यक है उतना ही नीति शास्त्र का ज्ञान आवश्यक है, सिद्धांत न्याय अध्यात्म का आवश्यक है उतने नीति शास्त्र का ज्ञान आवश्यक है। जगत में मोक्ष सागर जी वे लोग फैल हुए हैं जिन्हें चर्या का ज्ञान था, चारित्र का ज्ञान था, ध्यान न्याय संस्कृत सबका ज्ञान था लेकिन नीति का ज्ञान नहीं था, वे फैल हो गए। सुंदर स्वयं का जीवन जीना हो और दूसरे के जीवन को असुंदर न करना हो तो नीति का जीवन जीना चाहिए। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव पूर्वाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की